अस्सलाम वालेकुम। आज हांडी कबाब बना रही हूँ, इसे सीख कबाब भी कहती हैं, और ग्रेवी के साथ बना रही हूँ। चलिए तो फिर इसको बनाना शुरू करती हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले ये देखिए, आधा टीस्पून मैंने ये मिर्चें ली हैं, गरम मसाले है आधा टीस्पून, नमक है आधा टीस्पून, और ये 1.5 स्पून जो है ये मैंने बेसन ले लिया है। चने भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बेसन को ना मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, तो ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा है और 2 बड़ी चिल्ली हैं ये इसमें, और ये एक छोटी प्याज है मीडियम साइज़ की, ये भी, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये भी 2 टेस्टस्पून है। अब मैं इसको ना हरा धनिया डाल के मिक्स कर लेती हूँ। हरा धनिया इसको मिक्स कर लेती हूँ। और ये जो कीमा है ये 500 ग्राम से ज़्यादा है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। चलिए देखिए, तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। थोड़ा सा हाथ पे ऑयल ले लीजिए और इसको थोड़ा सा, जितना बड़ा कबाब का लेते हैं या देखिए डो की तरह जो लेते हैं, इसको इस तरह बना लीजिए। इसको थोड़ी कबाब की शेप दे दीजिए इस तरीके से, ये देखिए। इसी तरह से मैं सब बना लेती हूँ। ये देखिए दूसरा भी इस तरह बड़ा होता जाएगा। इसको थोड़ा सा गोल शेप दे के इसको थोड़ा सा लंबाई में कर दीजिए, देखिए ये भी। अब सारे में इसी तरीके से बना लेती हूँ। चलिए दूसरी तरफ, अब एक कढ़ाई में मैं ये 4 मीडियम साइज की प्याज है, इसको मैं ना गुलाबी कर लूँगी, थोड़ा गोल्डन हो जाएगी अच्छे तरीके से, फिर इसको मुझे पीसना है। ये देखिए ये प्याज हो गई है। अब ये इसमें मैं काजू डाल रही हूँ, ये 4 टीस्पून काजू होंगे इसमें। इसको भी काट डाल के थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ, इस प्याज को पीस लेती हूँ ग्लेंडर में। ये देखिए इतनी गुलाबी हो चुकी है ये, अब इसको पीस लेते हैं। चलिए ये देखिए सारे कबाब बन चुके हैं। अब मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करने से ये बिल्कुल मुलायम अच्छे रहते हैं, अंदर तक पक जाते हैं, और टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप करना चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है। चलिए इसको अब मैं फ्राई करती हूँ सबको। ये देखिए अब अच्छे फ्राई हो गए हैं, ये देखिए गोल्डन अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको एक एक करके मैं निकाल लूँगी प्लेट में, सारे अच्छे फ्राई हो चुके हैं। ये 3 टेबल स्पून जो है ऑयल है, अब इसमें मसाले मैं डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली, 1/2 टीस्पून ये हल्दी है, इसको हल्का कर दीजिए आंच को। 2 टेबल स्पून धनिया है, ये 2 टेबल स्पून धनिया है। ये टमाटर पेस्ट है, ये 3 टमाटर हैं का पेस्ट है। ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं और इस मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब ये जो प्याज और काजू का पेस्ट था वो भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा 2 मिनट भून लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए ये भून रहा है, ये देखिए ये भून रहा है। अब इसी के साथ ही मैं ये जो मैंने कबाब फ्राई किए थे वो भी इसमें मिक्स कर रही हूँ। कबाब है, और अब इसके अंदर अब दही डाल के मैंने अच्छी तरह से भून लूँगी। ये दही है, दही डाल के इसको मैं 5 मिनट के लिए भूनूँगी। और मैंने ये ग्रेवी वाले बनाए तो इसमें मैंने ग्रेवी अच्छी रखी है। अब इसे 5 मिनट भून लेती हूँ। ये देखिए जब से भून रहा है इसमें अब मैं नमक ऐड करूँगी।
कम से कम डेढ़ टीस्पून, एक स्पून मैंने डाला है, अब ये आधा और। अब इसको 5 मिनट भूनना है, फिर इसको तैयार कर देना है। देखिए मसाला तो अच्छा भून गया, अब मैं इसमें चिल्ली डाल रही हूँ और ये हरा धनिया डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा, गाढ़ी ग्रेवी रहेगी। और इसको ना मैं ढक के कम से कम 5 मिनट पकाऊँगी। और एक छोटा टीस्पून इसमें गरम मसाला मिक्स कर रही हूँ। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी पकने के लिए, फिर इसको कंप्लीट कर लूँगी डिश को। चलिए 5 मिनट से पक रही है। अब ये देखिए मैं इसमें कोयले का बघार दूँगी, कोयला मैंने दहका लिया था। अब इस पर ये बटर अच्छी तरह से हो जाए। अब इसे कम से कम ढक के हम 10 मिनट रखेंगे, जब तक ये जो है इसमें धुआँ अच्छी तरह से भर जाएगा और खुशबू इसकी धुएँ की सब आ जाएगी। चलिए 10 मिनट से देखिए जो ये धुआँ है इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको हटा रही हूँ। चलिए ये लीजिए हांडी कबाब तैयार हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।